पहले सोचा कि आज वीडियो किस टॉपिक के बारे में बनाए। टॉपिक्स तो बड़े सारे थे शेयर करने के लिए, लेकिन फिर सोचा क्यों ना इस नए साल के पहले दिन पे आपके साथ ऐसी 5 टिप्स शेयर की जाएं, जिससे आप पूरे साल बहुत ही बढ़िया तंदुरुस्त, फिट और हेल्दी रहें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और आप जल्दी बीमार ना हो। तो चलिए आज के नए साल की पहली वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। तो ऐसी 5 टिप्स जो इस नए साल में आपको हेल्दी रखने वाली है। नंबर 1, कि आपको अपने तेल को बड़े ही ध्यान से चूज़ करना है। ऑयल के मामले में ना हम अक्सर ही कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए, अपना लोकल या रीजनल, या फिर हमें महंगे ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए। तो एक चीज़ अपने गांठ बांध लीजिए कि हमें हमेशा लोकल और रीजनल ऑयल को अपनी लाइफ से एग्जिट नहीं करना है। बेशक आप महंगे ऑयल्स को इंक्लूड करें, लेकिन लोकल, रीजनल और सीजनल ऑयल को बाहर का रास्ता नहीं दिखाना है, तो ही आप कम्प्लीटली फिट एंड फाइन रहेंगे, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी, इनके साथ आप ऑलिव ऑयल और राइस ब्रैन ऑयल को डेफिनेटली इंक्लूड कर सकते हैं। और नंबर 2, आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स को बड़ी ही ध्यान से चूज़ करना है। आजकल हमें मालूम है लो कार्ब डाइट, कीटो डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, हाई फैट डाइट, बड़ी डाइट मार्केट में चलती हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को जब हमें चूज़ करना है तो उसे बड़े ध्यान से करना है। आपको होलसम सीरियल्स और मिलेट्स के ऊपर ही जाना है, क्योंकि उनमें फाइबर, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स कम्प्लीटली एनरिच्ड होते हैं। अपने आसपास की दाना मंडी ढूंढो यार, जहाँ पर आपको ये कम्प्लीटली मिल जाते हो, आप इजीली उन्हें लेकर चक्की पर पिसवा सकते हो। और नहीं टाइम है तो आप विद ब्रांड वाले जो होते हैं उन्हें अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए, ना कि जो रिफाइंड कम्प्लीटली आपके पास वीट फ्लोर होते हैं उनसे दूर रहिए। और सीजन वाइज अपने मिलेट्स को इंक्लूड कीजिए। आजकल जो ट्रेंड है कि एक मिलेट को उठा लिया पूरा साल हमने इंक्लूड करना है, वो मत कीजिए। वैसे तो मिलेट को किस सीज़न में कौन सा मिलेट आता है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में डेफिनेटली मैं बहुत ही जल्दी आपके सामने एक वीडियो रखने वाली हूँ। उसके बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से सीज़न में आपको कौन सा मिलेट इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही आप जब भी सीरियल्स और मिलेट का इस्तेमाल करें, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, इससे कम्प्लीटली कुक करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसकी हाफ कुकिंग या फिर इसे आधा कच्चा नहीं रख सकते, क्योंकि नहीं तो ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि सीरियल्स और मिलेट से आपकी गट हेल्थ एनहांस हो, तो डेफिनेटली इसे कुक कर ही कंज्यूम करें। और जो नॉर्मली हमारे आज के सिंपल कार्ब्स जो हम कंज्यूम करते हैं, ब्रेड्स, कन्फेक्शनरी, बिस्किट, इन सब से दूर रहें, इन सबको कम्प्लीटली अवॉइड करें, तो डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और थर्ड थिंग, हम कहते हैं कि हमें कम्प्लीटली वेजिटेरियन होना चाहिए। वीगनिज़म पिछले साल पीक पर था, 2022 में भी लगता है वीगनिज़म को ही प्रमोट किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों जो एग, फिश, चिकन और मीट को प्रेफर करते हैं, डेफिनेटली हम उन्हें प्रेफर कर सकते हैं, अपनी मील में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वेजिटेरियंस लोगों में हमें अक्सर ही विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि एनिमल सोर्स ही उनका हमेशा से रिच सोर्स रहा है। तो इसीलिए आप इन सभी चीज़ों को ईजिली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपकी अमीनो एसिड प्रोफाइल को मेंटेन करता है, असेंशियल अमीनो एसिड उसमें कम्प्लीटली प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ विटामिन B12, फॉलेट, फॉलिक एसिड आपको बड़ी अच्छी अमाउंट में देखने को मिल जाता है। देन डेफिनेटली डोंट एक्सक्लूड दिस थिंग, बट या आपको इन्हें मॉडरेशन अमाउंट में ही कंज्यूम करना है। एंड फोर्थ थिंग, वैसे तो इसे मुझे नंबर 1 पे रखना चाहिए था, लेकिन फिर सोचा हम इसे चौथे नंबर पर ही शामिल करते हैं, शुगर। शुगर को डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में लिमिट करना है, कट डाउन करना है। अब शुगर को जहाँ पर कट डाउन करने की बात आती है, हम अक्सर अपने चाय दूध में से शुगर को भगाना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। हमें शुगर को कम करना है, आपको स्वीट्स को कम लेना है, चॉकलेट्स को कम लेना है, ड्रिंक्स को आपको कम लेना है, आर्टिफिशियल सोडाज जो होते हैं उन्हें आपको कम लेना है, बिकॉज उनमें जितनी
हाई क्वांटिटी में शुगर प्रेजेंट होती है उतने हमारे घर में नॉर्मल चाय दूध पिन्नियाँ पंजीरी अगर आप बनाते हो तो उनमें उतनी हाई अमाउंट में नहीं प्रेजेंट होती। तो ध्यान रखें शुगर को कट करना है जो प्रोसेस्ड आइटम्स में डाली जाती है उन चीज़ों को लिमिट करना है। पैकेट को 2022 में हमें कम खोलना है और जो घर वाली चीज़ें हैं उन्हें हमें ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना है। नंबर 5th लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेफिनेटली सीड योर वे आउट। अब सीड योर वे आउट का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आजकल हमें मालूम है हम सीड्स को अपनी लाइफ में दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बड़े अलग तरह के सीड्स, चाहे हम इंडियन सीड्स की बात करें जैसे पीनट आलमंड और इसके साथ पम्पकिन सीड्स मेलन सीड्स या फिर हम फ्लैक्स सीड्स चिया सीड्स इन सब की बात करते हैं। तो इन्हें आजकल हमने अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस तो किया है लेकिन इनका इंट्रोड्यूस करने का तरीका हमारा इतना ज़्यादा सही नहीं है। वैसे तो सीड्स के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगी जो डेफिनेटली इस नए साल में मैं बहुत ही जल्द अपने इस चैनल पर लेकर आने वाली हूँ। तो सीड्स को कब और कैसे इस्तेमाल करना है ना आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन हाँ सीड्स को इंक्लूड कीजिए इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी लाइफ में बट अगेन उसका एक पीरियड होता है उसी टाइम पे उसे इंट्रोड्यूस कीजिए अदरवाइज़ वो आपकी बॉडी को हार्म भी पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखें और जब भी हम सीड्स को कंज्यूम करने की बात करते हैं उसे हमेशा देसी घी के साथ ही कंज्यूम करना चाहिए। वाई? बिकॉज वो उसकी एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन को बॉडी में एनहांस करता है एंड वी नो द फैट सॉल्युबल विटामिन जिसको डेफिनेटली फैट चाहिए और देसी घी में जो गुड अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है विच ऑल्सो एक्ट एज लाइपोलिटिक एजेंट इन आर बॉडी देन डेफिनेटली आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाती है। और सीड्स में आप सभी को मालूम है कैल्शियम मैग्नीशियम जिंक एंड फाइबर बहुत ही हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है लेकिन लिमिट में मॉडरेशन में ही उसे अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए अदरवाइज आपको उसके भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सो दीज आर द बेसिकली 5 2022 टिप्स टू मेक यू टू कीप यू हेल्दी फॉर अ फुल ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस नए साल में आपसे बहुत ही जल्द दोबारा मुलाकात।